हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं 5 मिनट वाली कुंदरू आलू प्याज की ऐसी चटपटी सूखी करारे रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप देखोगे अभी और तुरंत बनाओगे। बहुत ही इंस्टेंटली है। जब कभी आप गर्मी है, खाना बनाने का मन ना करे या बहुत थक गए हो, तो इंस्टेंटली ये बन जाती है। कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, कुछ ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। इंस्टेंटली ये सब्जी है, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी ऐसी अच्छी और प्यारी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। साथ ही साथ आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं ये चटपटी मसालेदार आलू कुंदरू प्याज की सब्जी कैसे बनती है। दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। मैं इस कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहो तो नॉन स्टिक कढ़ाई जो होती है उसमें भी बना सकते हो। ऑयल हमारी कड़क गई है। अब यहाँ पे 1 चम्मच हम साबुत जीरा डालेंगे, सौंफ देंगे। दोस्तों टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस सब्जी का। साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच सरसों डालेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हींग डालेंगे, तो हींग पिंच भर ही डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही ये फूड को डाइजेस्ट करता है, लेकिन ये हींग गर्म होता है, गर्मी है, तो पिंच भर हींग डालिएगा। डालेंगे दोस्तों बारीक कटा हुआ लहसुन है, अदरक है बारीक कटा हुआ, मिर्ची है दोस्तों 2 से 3 मिर्ची है, इसको हाथों से हमने तोड़ लिया है। यहाँ पे फ्रेश करी का पत्ता है। इन सारे इंग्रेडिएंट को आप अगर इस्तेमाल करोगे ना, तो इसमें मसाला आपको बहुत कम पड़ेगा दोस्तों, और इन सारी सामग्री से ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे प्याज है दोस्तों, इनको मैंने स्लाइस में काटा है। ये 1.5 प्याज है दोस्तों, 1 और आधा प्याज है। दोस्तों ये सूखी सब्जी है, इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है, कम मसाले में ही ये बेहतरीन सब्जी बनती है। दोस्तों सारे इंग्रेडिएंट हमने जो फ़ौरन में डाले हैं, जो हमारी ये रेसिपी बन रही है, इन्हीं सारे फ़ौरन से बहुत ही सुपर स्वादिष्ट और सुपर हेल्दी रेसिपी है दोस्तों। क्योंकि कुंदरू बहुत ही हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए बहुत ही इजी है, इंस्टेंटली है, बनाने में मज़ा आएगा और उससे ज़्यादा खाने में भी मज़ा आएगा। यहाँ पे 300 ग्राम करीब मैंने कुंदरू लिया है, उसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है दोस्तों। अब इसको इसमें हम मिला लेते हैं और इसको लो टू मीडियम पे 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही सिद्ध होने देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रहेगा। तो दोस्तों 2 मिनट हो गया है, ये थोड़े से कुंदरू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसी स्टेज पे दोस्तों यहाँ पे आलू है, तो आलू मेरी छोटी छोटी थी, तो 4 आलू को छिलके निकाल के थोड़ा सा मोटा ही मैंने काटा है दोस्तों। आप चाहो तो कुंदरू आलू जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसा आपको पसंद है उस अकॉर्डिंग सब्जी आप ले सकते हो दोस्तों। और इसको मिलाने के बाद भी बस इसको हम फिर से ढक्कन लगा देंगे और 1.5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं लो टू मीडियम गैस पे। तो दोस्तों दोबारा हमने ढक्कन निकाल लिया है और ये जो है कुंदरू आलू हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इसी स्टेज पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 1/4 करीब हम इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच भरकर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। जैसा आपको पसंद होगा मिर्च मसाला उस अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिएगा। यहाँ पे 1 चम्मच भरकर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे दोस्तों। साथ ही यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, जैसा आपको पसंद है सॉल्टी उसी अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कीजिएगा। अब इन सबको अच्छे से हम मिला लेते हैं दोस्तों, और मिलाने के बाद आप इसका कलर दे सकते हो दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा है। बस इसको भी हम लो टू मीडियम पे ढक्कन लगा के 1.5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अब इसको भी ढक्कन निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए सारे चीज़ हमारे कुरकुरे हो गए हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे गरम मसाला है, 1/2 स्पून करीब इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कच्ची कैरी है दोस्तों, आप चाहो तो इसके एवेज में आमचूर पाउडर भी दे सकते हो, या फिर आप सर्व करोगे सब्जी तब आप लेमन का रस गाड़ सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ ये सब्जी कच्ची कैरी देके ही बनती है दोस्तों। कच्ची कैरी का जो फ्लेवर है इसमें बहुत बढ़िया आता है। 2 मीडियम साइज़ के छोटे छोटे कैरी थे, उनका छिलका निकाल लिया है, उनको इसमें ऐड कर दिया है। लास्ट में ही कैरी दीजिएगा दोस्तों, जब सब कुछ पक जाएगा। बस इसी स्टेज पर दोस्तों हमें ढक्कन नहीं लगाना है। तो दोस्तों 1 से 1.5 मिनट में हमने हाई फ्लेम पे इसको बढ़िया से पका लिया है और ये हमारा टोटली बनके रेडी हो गया है। इसका कलर टेक्सचर आप देखिए कितना बढ़िया, एकदम क्रंची क्रंची हुआ है, एकदम सॉगी नहीं है।
इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। ये एकदम क्रंची क्रंची कुरकुरे करारे हमारे आलू कुंदरू प्याज की सूखी सब्जी बनके रेडी हो गई है। बस इसी स्टेज पे दोस्तों आप देख सकते हो मिर्ची है, हरी मिर्ची है, चीरा लगा दिया है। तो 5 से 6 मैं इस स्टेज पे दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से खाने में। और ये देखिए सब्जी का टेक्सचर कलर कितना बढ़िया आया है दोस्तों, एकदम क्रंची क्रंची आपका बढ़िया से ये सब्जी बनके रेडी हो गया। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए आपकी सूखी सब्जी एकदम मसालेदार बनके रेडी हो गई है, डिफरेंट फ्लेवर डिफरेंट स्वाद के साथ। एकदम चिपचिपी नहीं है, सौगी नहीं है, एकदम कुरकुरे करारे क्रंची वाली आपकी ये सब्जी बनके रेडी हो गई है सिंपल सिटी के साथ। दोस्तों कभी आप थके हो, खाना बनाने का मन ना हो, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पूरी पराठे रोटी सिंपल रोटी के साथ सिंपल चावल के साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। सूखा होने के कारण आप इसे ट्रेवलिंग में भी ले जा सकते हो जब आप सफ़र कर रहे हो, या फिर आप इसे लंच बॉक्स में भी बच्चों को भी दे सकते हो, बड़े भी ले जा सकते हो। इसका टेक्सचर मैं घुमा घुमा के आपको कैमरे से नज़दीक में वीडियो में दिखा दे रही हूँ दोस्तों कि इसका टेक्सचर इसका कलर कितना अमेजिंग है दोस्तों। तो इसको बनाना तो बनता है दोस्तों, एक बार आप इस ट्रिक से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आनंद आ जाएगा। और कम मेहनत कम खर्चे में कम ऑयल में और कम मसाले में एकदम सुपर टेस्टी माउथ वाटरिंग आपकी ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ईजी प्रोसेस है। ये बनके आपका हेल्दी सब्जी बनके रेडी हो गया दोस्तों। आप घंटों आपको किचन में पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं होगी, एकदम लो टू मीडियम पे हमने इस सब्जी को क्रंच किया है दोस्तों। तो आप छोटे मोटे घर के काम भी कर सकते हो आराम से एकदम रिलैक्स के साथ। तो चलिए जब तक ऐसी ही प्यारी और इंस्टेंटली लाजवाब रेसिपी से मिलती हूँ कम तेल मसाले के साथ गर्मी स्पेशल, तब तक आप फुल फैमिली फुल दोस्तों के साथ इसे इंजॉय कीजिए। खाते खाते अपने इस प्यारे से दोस्त को ज़रूर याद कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।